गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा छठी, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तिका हिंदी व्याकरण से पाठ 9 सर्वनाम पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के शब्द को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। देखिए, सर्व का अर्थ है सब। सर्व का अर्थ है सब। संज्ञा का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ है बच्चों नाम, यानी कि सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों देखिए, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, आदि। बच्चों, हम बातचीत करते समय नाम यानी संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार अगर करें तो वह सुनने में अटपटा लगता है, इसलिए हम उनके स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे। तो आइए हम थोड़े से उदाहरण जानते हैं। बच्चों देखिए, अब आपको एक पत्र है, नमस्कार संगीता, सीमा को संगीता की बहुत याद आ रही है पर सीमा संगीता से मिलने नहीं जा सकती, बाहर कोरोना फैला है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है, संगीता भी बाहर मत निकलना, संगीता के माता पिता का कहना मानना, लॉकडाउन खुलने पर संगीता और सीमा मिलेंगे। बच्चों, इसमें सीमा संगीता बार बार रिपीट किया गया है, यानी कि उसको बोला गया है। उसके स्थान पर बच्चों अगर हम वह, तुम, अपने, वे, हम, इसे, उसे, मुझे ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो यह सुनने में अच्छा लगेगा। बच्चों देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। सर्वनाम में पहला है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बच्चों आइए पहला हम जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, आदि। बच्चों कक्षा में अध्यापिका छात्रों को गांधी जी के विषय में पढ़ा रही थी और सभी छात्र बच्चों शांतिपूर्वक अध्यापिका द्वारा पढ़ाई जाने वाली बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर बोलने वाली अध्यापिका है, सुनने वाले छात्र हैं और जिनके बारे में बात की जा रही थी बच्चों वो गांधी जी हैं। तो इन पंक्तियों में प्राणी या व्यक्ति की बात की जा रही है, यानी कि बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो
उत्तम पुरुष के बारे में जानते हैं बच्चों। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उहें हम उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम, जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, यह जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कि वाक्य क्या है, मैं टीवी देखूंगा, हम पांचवी कक्षा के छात्र हैं या हम छठी कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। बच्चों सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आपको और आप। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए वाक्य, तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए, इनसे हमें बच्चों मध्यम पुरुष का ज्ञान होता है। अब बच्चों हम अन्य पुरुष के बारे में जानेंगे। देखिए जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द वह, वे, उसे, उन्होंने, उन्हें, यह, ये है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए वाक्य, वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है, तो यह बच्चों आपका अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। अब बच्चों हम निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में जानेंगे। बच्चों निश्चयवाचक जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित होने का बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बच्चों देखिए चित्र के माध्यम से, यह किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम में यह मेरी किताब है, वह ही दौड़ में प्रथम आया, ये मेरी किताबें हैं और वे उसकी, यानी कि बच्चों जिसमें हमें पक्की बात, निश्चित बात पता हो वह ही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। बच्चों आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि वह और यह शब्द का प्रयोग हम अन्य पुरुष सर्वनाम में भी करते हैं, तो इस बात का ध्यान देना है। बच्चों आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों कोई व्यक्ति दिन रात यहाँ चिट्ठियाँ भेजकर हमें परेशान करता है, कारण कुछ भी हो पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितने समय से हम इस बात की सूचना आपको दे रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुंचकर ठोस कदम उठाइए व हमारी सहायता कीजिए। देखा आपने, इनमें आपको बच्चों कोई, कुछ, कितने, किसी, ये सब जो शब्द हैं बच्चों ये निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं। अतः बच्चों जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब आप वाक्य में देख सकते हैं बच्चों, कोई गाना सुनाओ, अब कोई हमें पक्का नहीं पता है, कुछ रुपए माँ को दे दो, कुछ जिसका हमें पता नहीं, पार्टी खत्म होते ही सब चले जाएंगे, अब अभी पता नहीं कि कब पार्टी खत्म होगी। अगला है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं संबंधवाचक में ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, बच्चे वही कहानी सुनाएंगे जो नई होगी। तो आपने देखा कि ये दो वाक्यों में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। अब बच्चों आगे हम जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग बच्चों अपने या स्वयं के लिए किया जाता है वे ही निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब बच्चों बच्चा छोटा होता है तो माँ हर पल उसके साथ रहती है, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपना काम अपने आप कर सकता है, तब वह इस प्रकार से वाक्यों का प्रयोग करता है। देखिए मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं खाना खा लूंगा, मैं खुद उठा लूंगा। तो बच्चों जैसे अपने आप ही, स्वयं, मैं खुद, ये जो है बच्चों स्वयं काम करने का बोध करा रही है, जो शब्द है ये स्वयं अपने आप काम करने का बोध करा रहे हैं। अब आप और भी वाक्य देख सकते हैं, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, वह खुद को खुद ही चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इन शब्दों से हमें खुद स्वयं निज का एहसास होता है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब बच्चों आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण देखिए, यह टीवी कौन लाया, इसमें कौन शब्द बच्चों प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। तुमने क्या खरीदा, यहाँ पर क्या शब्द भी प्रश्न कर रहा है, यानी कि कौन और क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों इसमें आए कुछ हम प्रश्न जानते हैं। देखिए जो रेखांकित शब्द हैं ठीक है उनका प्रयोग करना है, जैसे कि आयुष बोला मैं आज बहुत खुश हूँ। अब बताइए बच्चों रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ आयुष के लिए। अमन ने कमल से पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसके अंदर कमल, कमल से पूछा। नेक्स्ट है बच्चों नेहा ने दादी से पूछा क्या आप मेरे साथ घूमने चलेंगी, किससे पूछा बच्चों, दादी से। अध्यापिका ने छात्र को कॉपी देकर कहा इसे मेज पर रख दो, किसे देकर कहा बच्चों, कॉपी देकर कहा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न है बच्चों आपको खाली स्थान भरना है, देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, वहाँ कौन बैठा है, वे हंस रहे हैं, अब तुम जा सकते हो, कमरे में कौन बैठा है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपने सर्वनाम का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति की। आगे है बच्चों नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित सर्वनामों के भेद बताने हैं। बच्चों आप देखिए बाहर कोई खड़ा है उसे बुलाओ, इसका भेद है बच्चों कोई अनिश्चयवाचक। दरवाजा कौन खटखटा रहा है, इसका भेद है बच्चों कौन प्रश्नवाचक। आप यहाँ कब आए, इसके अंदर बच्चों देखिए आप क्या है, आपका पुरुषवाचक आप। तो अब आपने ये सर्वनाम शब्द पढ़ा और जाना, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा।